छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जय की जय हार के बाद पार्टी में बगावती सुर तेजी से उठने लगे हैं। पूर्व विधायकों ने संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बृहस्पति सिंह के बाद अब पूर्व विधायक विनय जायसवाल मुखर होकर पार्टी संगठन के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। विनय जायसवाल का आरोप है कि प्रभारी सचिव चंदन यादव ने पैसे लेकर टिकट बांटी है। विनय जायसवाल टीएस सिंहदेव पर भी हार का ठीकरा फोड़ने से नहीं चूक रहे। विनय जायसवाल ने टीएस सिंहदेव पर अपने करीबी को टिकट दिलाने का आरोप लगाया। विनय जायसवाल के इस आरोप के बाद कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। विनय जायसवाल से खास बातचीत की हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उसके कारणों को खोजा जा रहा है। ऐसे में पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने बयान देकर राजनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है। विनय जायसवाल का क्या कहना है, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, जानने के लिए हम पहुंचे हुए विनय जायसवाल जी के पास, उनसे बात करते हैं। जायसवाल जी, आपका काम काफी अच्छा था, हम फीडबैक लोगों से लेते थे तो काफी पॉजिटिव मिलता था, लेकिन टिकट आपकी काटी गई, अब वहां पे हार हुई है, आपको क्या लगता है क्या क्या कारण से कांग्रेस हारी, खासतौर पर सरगुजा में? देखिए, आप स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर जाके ग्राउंड में रिपोर्टिंग की है। आपके पास एक रिपोर्ट रही होगी कि मेरा टिकट काटा गया है और जिसको टिकट दिया गया है, ये मीडिया रिपोर्ट आपके पास है। और अगर पार्टी ने सर्वे को आधार बनाया था, मेरी विजिबिलिटी वहां नहीं थी, मेरी टिकट वहां कटनी थी, तो मैं उस बात का स्वागत करता हूं। लेकिन जिस तरह से टिकट कटी और जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया, उसकी विजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, उसको किस आधार पर टिकट दिया गया, किसके अनुशंसा पर टिकट दिया गया, टिकट का अनुशंसा या टिकट की योग्यता, राज दरबार में, सरगुजा राज दरबार में 45 साल या 50 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए कि जीत का क्राइटेरिया होना चाहिए। आप वहां पर मेरी टिकट काट दिए, किसी और योग्य उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिए? अगिलास साहब से निर्दलीय में चुनाव लड़के 4,000 वोट से कम पाए थे, 15 साल से किसी भी पार्टी के बड़े एक्टिविटी में दिखे नहीं, 72 इयर्स के हमारे जो वहां के कैंडिडेट थे। तो आखिर में अगर इस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है, टिकट कटने का दुख नहीं है, गुटबाजी की वजह से टिकट कटी क्या है? एकदम निश्चित, इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप भी वहां क्या भूपेश बघेल के लॉयल होने का दंड झेलना पड़ा, ये देखिए ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रति लॉयलिटी थी। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार का की जो भूमिका थी वो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हाथों में कमान थी, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम हुए आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से अगर कोई पार्टी ने टिकट देने का क्राइटेरिया बनाया है, और मैं बोला ना कि अगर मेरा सर्वे और वे खराब है, कौन, किसने साजिश किया, किसने सर्वे किया, ये सब बातें आनी चाहिए, सब फोरम में बात आनी चाहिए। ये बड़े लोग जो थे, जो प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे, उनकी क्या भूमिका थी, क्या उन लोग ने ये सब नहीं देखा, आप लोगों को ध्यान नहीं दिया? देखिए, उसी बात को तो मैंने उठाया आज मीडिया में कि जो एक सह प्रभारी जो चंदन यादव थे, उन्होंने टिकट के दौरान में मुझसे 7 लाख रुपए भी लिया। लेकिन 7 लाख रुपए मान लीजिए पार्टी के कार्यक्रमों के लिए लिया, इसके लिए लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के लिए इतना किया जा सकता है और आदमी करता है। लेकिन आज जब इतनी बुरी हार हमारी छत्तीसगढ़ में हुई है, तो ये बात प्रासंगिक हो जाती है कि ऐसे जो लोग थे, जहां पैसा इन्वॉल्व हो गया, जहां पर भय इन्वॉल्व हो गया, जहां पर लोग डरने लगे, तो इन सब बातों का एक लग रहा है बाकी लोगों को टिकट जो बांटी गई होगी, पैसे लिए होंगे, इन सब बातों की सूक्ष्म पड़ताल करनी चाहिए, सभी के बयान आने चाहिए जिनके टिकट कटे हैं, सभी से पूछना चाहिए। और आगे छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी कोई ना बने कि 15 साल बोल के आपसे पैसे लिए, कि 15 साल तक हमारी सरकार ना बने, उसके लिए अभी से ठोस प्रबंधन करना चाहिए। क्या बोल के पैसा लिया गया था? मैंने बताया ना, उस समय टिकट का एक वातावरण था, आप एक एक बड़े डेलीगेशन में हो, बड़े प्रभारी हो, और मान लीजिए मैं योग्य हूं देने के, तो अगर कुछ पार्टी के हित में, अगर पार्टी के अच्छाई के लिए, पार्टी के वेलनेस के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ, तो उसमें देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चूंकि आज इतनी बड़ी बातें हुई है और इस तरह की हार हुई है, तो उस बात को उठाना जरूरी है। मैंने तो कल मेल किया है सभी को, दिल्ली में मैंने मेल किया। हम वहां देखते हैं कि प्रभारी की भूमिका में सरगुजा माना टीएस सिंहदेव, वो संभाल रहे थे, उनकी कैसी भूमिका देखिए, 0 हो गए वहां पे, आप बिल्कुल हार गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से आजादी के बाद सबसे करारी हार जो है सरगुजा में हुई है, और सरगुजा के हार के लिए जो भी जिम्मेदार है उनको अपनी जवाबदारी ली भी गई है, मैंने टीवी के माध्यम से सुना है। लेकिन केवल जवाबदारी लेने से थोड़ी होता है,
आखिर में ऐसा क्यों हुआ जो टिकट कटे, ये सब बातों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। पार्टी को ये सब बातों से अवगत कराएंगे हम? मैंने करा दिया है, मैंने मेल कर दिया है। कोई कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं ऐसे लोगों पर? निश्चित रूप से पूरे जो समीक्षा हो रही है माइक्रो लेवल की समीक्षा होनी चाहिए। आगे जिस तरह से आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट था वो कितना स्ट्रांग था, किस तरीके से उन लोगों ने चुनाव को लड़ा है। जो हारी हुई स्टेट को हमारे अगर किन्हीं कमियों के कारण में अगर भारतीय जनता पार्टी ने विन किया है तो उसके पूरी समीक्षा जांच और कार्रवाई और आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है उस बनाना चाहिए। तो ये थे विनय जायसवाल जो इस बात को बेबाकी से कह रहे हैं कि उनकी जो टिकट काटी गई वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी। पार्टी में जहां पर लूप होल है उसका भी ध्यान उन्होंने खींचा है, कई चीजों की खामियां गिनाई हैं और आला कमान को इसकी शिकायत की है। अब देखना यह है कि आला कमान इन सब बातों पर कितना संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करता है। कैमरामैन गणेश्वर के साथ मोहन तिवारी, TV24 रायपुर।